Hello friends, how are you? I hope you are enjoying our all video lectures. Thanks for the nice response and reply. Now this is our third lecture based on AC circuit, which is a topic newly included in the 12th science, and it is probably a very regular topic for poly and engineering students. So without wasting any time, let's start the third numerical based on the same. लेकिन उसके पहले जैसे कि बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने कल के वीडियोज में आपको बताया था कि हमारे सारे के सारे वीडियोज आपके लिए आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, लेकिन या हमको, हम आपको लिंक देंगे, आपको रजिस्टर करना होगा. लेकिन जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, उनको बराबर लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके ग्रुप पे लिंक भेजे जाएंगे, आपको सारे वीडियोस मिलेंगे. सो डोंट वरी, लेट अस ऑलवेज विथ अस, लेट्स स्टार्ट. हाँ, ये जो कोरोना का लॉकडाउन है, हो सकता है कि लॉकडाउन अभी बढ़े, लेकिन आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अपना रीशेड्यूल भी आएगा, जैसे कि न्यूज चल रही है, मतलब एग्जाम होना तय है, इसलिए हमको रेडी रहना है. सो डोंट वरी, वांडे सर एकेडमी इज ऑलवेज विथ यू. बिफोर स्टार्टिंग टूडेज लेक्चर, दो तीन लेक्चर से कुछ बच्चे बोल रहे कि सर कुछ मिसिंग है, तो मैं बता देना चाहता हूँ उनको कि जाके कह दो उन पढ़ने वालों से कि कभी हम भी पढ़ा करते थे, और जितना सिलेबस पढ़ के तुम टॉप करते हो उतना तो हम चॉइस में छोड़ा करते हैं. इसीलिए हम लोग अभी इस न्यूमेरिकल को समझेंगे. पहली बार सर, इस न्यूमेरिकल की विशेषता, इस प्रॉब्लम की विशेषता क्या है? विशेषता यह है, आप देखिए यहां बैटरी लगी है, यहां बैटरी ही नहीं, अब तक दो बैटरी थी. पहले इसमें दोनों के कॉमन टर्मिनल थे, फिर दूसरे प्रॉब्लम में मैंने टर्मिनल चेंज कर दिए, अब तीसरे प्रॉब्लम में यहां पे अपना बैटरीज ही प्रेजेंट नहीं है. तो उस बैटरी को रिप्लेस कैसे करें या कैसे सॉल्व करें, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. रूल नंबर वन, सी टुकू टुकू टुवर्ड्स द प्रॉब्लम. यस, हाउ मेनी लूप्स आर देयर? अरे, इस लूप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमको सबसे पहले इसको नाम देने पड़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ. चलो नाम दे दो, ये कॉमन है, यहां एक दिया तो भी चलेगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं. नाउ कंसिडर द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट. जू वापस, प्लस से निकला माइनस पे वापस, क्या नाम? आई वन, बिकॉज इट इज इन द लूप वन. यहां, अरे सर इधर द बैटरीज नहीं, मैं आता करंट की डायरेक्शन. ओके, तो करंट इस लूप में इसके इन्फ्लुएंस से ही फ्लो होगा. तो टेक्निक ये बोलता है कि डायरेक्शन ऐसे ही दे दो, लेकिन आपने अब तक जैसे सॉल्व किया वही डायरेक्शन दे दो. इन शॉर्ट मैं बोल रहा हूं, अज्यूम द डायरेक्शन वट एवर यू थिंक एंड वट एवर यू लाइक, डोंट वरी. आपने ऐसा अज्यूम किया, सर गलत हो सकती है, लेकिन भी आफ्टर सोल्यूशन आपको मिलेगा ही उसका जवाब. चलो कोई दिक्कत नहीं है. यहां मैंने, सर यहां तो बैटरी नहीं, आपने किस आधार पे किया? लेट अस अज्यूम, आई रिपीट, मैंने यहां अज्यूम कर दिया यार, ये यहां से यहां जा रहा है, तो इसको साइन दे दो. करंट ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब करंट इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये प्लस और ये माइनस हो गया. करंट इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये प्लस और माइनस हो गया. करंट इधर से इधर आ रहा है, मतलब ये प्लस और माइनस हो गया. करंट इधर से इधर आ रहा है, मतलब प्लस माइनस, ये पहले ही ले चुके इसलिए इसको लेने की जरूरत नहीं. मैंने बार बार आपको बोला था, नोट करके मैं लिख के दे रहा हूं, जो भी बीपीएल वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए प्लस प्लस माइनस माइनस विल ऑलवेज बी प्लस एंड प्लस बोगस, माइनस प्लस विल बी ऑलवेज प्लस. मतलब आप अपोजिट टर्मिनल पे जाइए तो बैटरी को ऐड कीजिए, और सेम टर्मिनल को जाएंगे तो बैटरीज को ऐड कीजिए. दिस इज व्हाट एन सिंपल पैरामीटर्स टू यूज व्हाइल सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स. आपको एक खुशी की बात बता दूं, अब आने वाला जो फिजिक्स है 12th का, इट इज अप्रोक्सीमेटली बेस्ड ऑन द मैक्सिमम सिलेबस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. सो इन चीजों को आप काफी गंभीरता से लो, इसको अच्छे से समझो, क्योंकि ये बेसिक है. जैसे कि आपको पता है, इन मैथमेटिक्स में हम लोग जैसे डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन को बहुत अच्छा करके रखते, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट में वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रल इज यूज्ड एज अ बेसिक टूल्स. उस तरीके से ये भी अपने को एज ए टूल करके आगे यूज करना, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लो. सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम, लेट अस वी विल कंसीडर, दिस इज द 12 वोल्ट बैटरी, नॉट 12.5, इट इज अ 12 वोल्ट बैटरी. देखो बच्चों, आपके पास कैलकुलेटर है, लेकिन 12th वालों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए मैं विदाउट कैलकुलेटर वाले मेथड से इसको सॉल्व करूंगा. जिनके पास कैलकुलेटर है आप वहां वहां पे कैलकुलेटर दीजिए, क्योंकि मैं तो इसको एक कॉमन मिनिमम मेथड से लेके जा रहा हूं आगे. चलो, अब
अप्लाई केवीएल टू लूप ए बी ई एफ ए, जहां से शुरू हो गया वहीं पे आके रुक गया है ये। बोलिए कौन है बच्चों यहां पे 12, प्लस प्लस माइनस 1 I1, प्लस प्लस माइनस 2 I1, प्लस प्लस माइनस 3 I1 प्लस I2, क्योंकि इसमें से जाने वाला करंट दोनों की एडिशन होगी मेरे भाई, दोनों की क्या होगी एडिशन सर। ओके ये I1 प्लस I2 आ गया इज इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व कर लो 12 माइनस 1 I1 माइनस 2 I1 माइनस 3 I1 माइनस 3 I2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये I1 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 3 और 2 5 और 1 6, 12 माइनस 6 I1 माइनस 3 I2 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों को मैं इधर लेके जा रहा हूं तो 6 I1 प्लस 3 I2 12 ऐसे कैसे रहेगा, इसलिए मैं इस तरीके से लिखूंगा। कुछ लोग बोलते सर आपने 12 को तो इधर लिखा, भाई ऐसे नहीं किया मैंने, सिर्फ लिखा ये दोनों को मैं इधर लिखा, इधर लेके गया तो ये प्लस हो गई और ये अपनी जगह पे लिखते समय सिर्फ मैंने ऐसे लिखा, डू नॉट कंफ्यूज, क्लियर हो गया यस। चलिए अपना इक्वेशन 1 मिला ए डबल पी एल वाई अप्लाई के वी एल एट लूप, कौन है बे बी सी डी ई बी, ये वाला लूप है। चलिए देखिए, अरे सर आता कैसा, कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं तो बैटरी आएगी नहीं है। चलो यहां से ऐसे जा रहा, मतलब ये प्लस माइनस और करंट इसी दिशा में जा रहा और ये प्लस माइनस है, मतलब कौन है माइनस 4 I2 इधर बच्चों प्लस, देखिए डायरेक्शन ये प्लस पकड़ना, प्लस टू प्लस जा रहा है, मतलब ऐसे ही करंट जा रहा है तो करंट भी क्या हो गया प्लस टू प्लस, मतलब माइनस कौन 3 I1 प्लस I2, फिर इधर से प्लस टू प्लस माइनस 5 I2 इज इक्वल्स टू 0, इसके अंदर सॉरी बैटरी आया ही नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा, माइनस 4 I2 देखिए माइनस 3 I1 माइनस 3 I2 माइनस 5 I2 इज इक्वल्स टू 0, बराबर है। तो ये और ये दोनों की एडिशन होगी, ये तीनों की एडिशन होगी भाई मेरे, माइनस 3 I1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 और 5 7 और 5 12 माइनस 12 I2 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई विद दी आई कैन से साइन को मल्टीप्लाई कर दो, साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 3 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई विद द माइनस इक्वेशन नंबर 2। चलो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट कौन मिला बच्चों 6 I1 प्लस 3 I2 इज इक्वल्स टू 12, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट 3 I1 प्लस 12 I2 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों इक्वेशन की तरफ टुकुर-टुकुर देखो, अब तो दोनों के भी फैक्टर मिल रहे, क्या क्या जबरदस्त बात है, 4 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 12 मिल रहा है, लेकिन मैं I1 के ऊपर काम करूंगा इसलिए मैं इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 3 टू जा 6 I1 प्लस 24 I2 इज इक्वल्स टू 0, तो अपना इक्वेशन नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ 6 I1 प्लस 3 I2 इज इक्वल्स टू, सर घाई होता है हाँ, अबे हा इक्वेशन घेतला याला दोन्ही मल्टीप्लाई केलं हे इक्वेशन आलं, आता हे दोन फॅक्टर माझे कॉमन आहे म्हणून पहिलं इक्वेशन ॲज इट इज लिहिलं, नया जो इक्वेशन आया वो मैं लिख रहा हूँ 6 I1 प्लस 24 I2 इज इक्वल्स टू 0, साइमल्टेनियस इक्वेशन मारा लाइन माइनस 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 दिस दिस गेट कैंसल, 24 माइनस 3 माइनस 21 I2 इज इक्वल्स टू 12, so I2 is equals to minus 12 by 21 ampere, this is what the first answer of the I2, ये I2 का आपको पहला जवाब मिला। फिर I1 कैसे मिला ना, वो तो बड़ा सिंपल है, कोई भी इक्वेशन ले लो 6 I1 plus 3 I2 is equals to 12, मैं ये इक्वेशन ले लेता ना, I am also 3 I1 plus 12 I2 is equals to 0, because मेरे को 0 मिल रहा है, minimum calculation के लिए मैं जाऊंगा 3 I1 plus 12 multiplied by minus 12 by 21 is equals to 0, मैंने क्या किया बच्चों second equation लिया, I2 का जो value आया था I2 का value भी यहां डाल दिया, तो इसको solve करिए 3 I1 plus 3 I1 plus
मैं इसको और छोटा करता हूं, 3 चौक 12, 3 सात 21 और 12 चौक 48 -48/7 = 0। दिस इज द सिंपल वे। सो क्या आ गया बच्चों, 3 I1 = 48/7। तो ये 3 नीचे चला गया, ये 3 नीचे चला गया, देयरफॉर I1 = 48/7 × 3 बराबर है। तो इसको और सॉल्व कर सकते, 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 18, 16 × 3 = 48। मतलब कौन आ गया बच्चों का, I1 = 16/7 एम्पियर। मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, मैंने जो ये मेथड यूज किए, आई हैव कंसीडर द 12 बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर, दीज आर द सिंपल वे टू सॉल्व। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले तो धड़ाधड़ यहीं पे आप इक्वेशंस की वैल्यू पुट करके इसको निकाल सकते हैं। मुझे I1 मिला, I2 मिला, दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड द करंट फ्रॉम द ईच ब्रांच, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर I1 एंड I2 एंड हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। आई होप दैट एवरी इंडिविजुअल हैज अंडरस्टूड बिकॉज इट इज़ एन सीरीज ऑफ प्रोग्राम। तो आपको इस न्यूमेरिकल्स को समझना है और जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू कंप्लीट योर होमवर्क। नाउ इसी से रिलेटेड या इससे थोड़ा सा हटके एक मैं आपको न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आई होप दैट आप लोग इसको बहुत अच्छे से घर पे पढ़ रहे हैं और आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं बिल्कुल सेम प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं, सेम प्रॉब्लम, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग एल्स हियर। यहां एक रजिस्टर डाल रहा हूं, यहां भी एक रजिस्टर डाल रहा हूं, यहां भी एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, और इसको और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस, यहाँ 3 ओम का है, यहाँ 2 ओम का है, 4 ओम है, 5 ओम है, 3 ओम है और ये 6 ओम है प्लस माइनस, ये 40 वोल्ट का बैटरी है। सो सिमिलरली यू हैव टू फाइंड द करंट फ्रॉम दिस सर्किट I1 एंड I2, यहाँ भी बैटरी मेंशन नहीं है, इसी आधार से आपको इसको सॉल्व करना है। आई होप दैट यू enjoyed दिस प्रॉब्लम और आपको पूरा पूरा समझ में आया है। डू नॉट forget टू सब्सक्राइब एंड refer टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।